इस वीडियो को देखकर पहली नजर में आप भी सोचेंगे कि पुलिस वाले सड़क किनारे खड़े होकर आखिर कर क्या रहे हैं। फिर अचानक फुल स्पीड से दनदनाता हुआ एक ट्रक पास हो जाता है, जिसके बाद ये पुलिस वाला सड़क से जाकर कुछ उठाता है। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो हम बताते हैं, मेरठ पुलिस का ये उगाही का नया तरीका है, इतना सुपर फास्ट कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल पुलिस वाले ने ट्रक ड्राइवर का फेंका हुआ नोट सड़क से उठाया है, जिसके बदले में बिना किसी सिक्योरिटी चेक के ट्रक को जाने दिया गया। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के नानू गंग नहर के पास मवेशी से भरे ट्रक से अवैध वसूली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सिपाही मवेशी से भरे ट्रक चालक के द्वारा सड़क पर फेंके गए पैसों को उठाता दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि सिपाही मवेशियों से भरे ट्रकों से इस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल होने के बाद एसपी देहात ने इसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक वीडियो वायरल है जिसे सरधना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक कांस्टेबल एक ट्रक को हाथ देते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो की पूरी छानबीन की जा रही है या जांच की जा रही है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या सर वो गाड़ी मवेशियों की बताई जा रही है? उसमें वीडियो में एक टाटा ट्रक दिखाई दे रहा है। अब वो जानकारी की जा रही है कि उसमें कोई मवेशी थे या नहीं थे, वीडियो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ की वीडियो है ये और कौन सिपाही है? ये बताया जा रहा है कि सरधना क्षेत्र की वीडियो है और थाना क्षेत्र का एक कांस्टेबल है। इसकी विधिवत जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पुलिस महकमे के हाथ में हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो इसे कैसे निभा रहा है। और वसूली के लिए तो क्या ही कहिए, भले ही बड़े अधिकारी सख्त हों, लेकिन छोटे अधिकारियों का दिल है कि मानता नहीं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हाईवे से 80 से 100 की स्पीड में पशुओं से भरा ये ट्रक गुजर गया, जिसके क्लीनर ने कुछ नोट सड़क पर गिरा दिए। ट्रक तो तेजी के साथ गुजर गया, लेकिन सड़क किनारे खड़ा कांस्टेबल टहलता हुआ गया और नोट उठाकर अपनी जेब में रखकर वापस आ गया। वहीं मौके पर खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। NBT ऑनलाइन के लिए मेरठ से रामबाबू मित्तल की रिपोर्ट।